Hey everyone, welcome to my channel. In today's video, I am going to share with you this smoky winged foxy eye makeup look. So बहुत ही simple है इसको create करना, at the same time बहुत beautiful लगता है ये eye look. So अगर आपको देखना है how to get this look, then please keep on watching. और जो भी product यहाँ पे use की हो उसका link description box में होगा, so वहाँ से आप checkout कर सकते हो. So let's start with the tutorial part. तो सबसे पहले मैं कंसीलर यूज करूंगी एज माय आई बेस और ब्रश के लिए मैंने यूज किया है पैक का कंसीलर ब्रश. सबसे पहले मैं आईब्रोज को कर्व आउट कर लूंगी एंड देन सेम कंसीलर को अप्लाई करूंगी पूरे आईलिड पे एज माय आई शेडो बेस. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको स्किप मत कीजिएगा. इससे आई शेडो पॉप होता है और बहुत अच्छे से उभर के आता है कलर. और उसके बाद इसको ब्लेंड कर लूंगी विथ ए ब्यूटी ब्लेंडर एंड सेट कर लूंगी आईलिड को विथ सम लूज पाउडर. यहाँ पे मैंने यूज किया है एल्फ का लूज पाउडर और ब्रश के लिए मैंने रियल टेक्निक का ब्रश यूज किया है. सो इसके हेल्प से मैं आईलिड को सेट कर लूंगी. आउटर कॉर्नर पे एक स्टिकी टेप लगा लूंगी, इससे आपको शार्प एजेस मिलेगा बहुत इजीली. आई शेडो पैलेट के लिए मैं यहाँ पे यूज की हुडा ब्यूटी नॉटी न्यूड आई शेडो पैलेट. और ब्रश के लिए सबसे पहले पेंसिल ब्रश से स्टार्ट करूंगी. तो सबसे पहले मैं रफ बोल के शेड को अप्लाई करूंगी. बहुत ही लाइट रोज शेड है, सो मैट शेड है. इसको मैं जस्ट आउटर कॉर्नर पे एज ए विंग अप्लाई कर रही हूँ. इसके बाद एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले लूंगी और इसके हेल्प से जो हिप्नोटिक शेड है, बहुत ही लाइट शेड है इस पैलेट का, सो उसको अप्लाई करूंगी क्रीज पे. इससे क्रीज पे अच्छा सा एक बेस मिल जाएगा. सो और थोड़ा सा ये डेप्थ भी प्रोवाइड करेगा किस क्रीज पे. सो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा डार्क शेड नहीं अप्लाई किया है. नेक्स्ट यहाँ पे मैं और एक पेंसिल ब्रश ले लूंगी और उसके हेल्प से जो स्पाइसी शेड है उसको अप्लाई करूंगी. उसको भी मैं एज ए विंग अप्लाई करूंगी और थोड़ा सा नीचे अप्लाई करूंगी लास्ट शेड से. सो इसको मैं एज ए विंग अप्लाई कर रही हूँ आउटर वी पे. सो यहाँ पे आप लेंथ आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो. और स्टिकी टेप अप्लाई करने के कारण आपको बहुत इजीली शार्प एज भी मिल जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट मैं फिर से जो रोजी मैट शेड था उसको अप्लाई करूंगी और प्रीवियस शेड को थोड़ा सा सॉफ्टली ब्लेंड कर दूंगी. इसके बाद मैं यूज करूंगी प्लीज मी शेड. ये शिमरी शेड है और इसको मैं ऑल ओवर लिड पे अप्लाई कर लूंगी. सो यहाँ पे ब्रश के हेल्प से अप्लाई करने से आपको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं मिलेगा. सो आप डायरेक्ट फिंगर के हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो सेम शेड को. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा पिगमेंटेशन मिल रहा है विथ फिंगर. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ टेंट्रिक बोल के जो शेड है, ये थोड़ा सा गोल्डन हिंट है इसमें, ये भी शिमरी शेड है. इसको मैं टॉप अप करूंगी प्रीवियस शेड के ऊपर. सो ये और अच्छे से पॉप करेगा शेड को, प्रीवियस शेड को. और एक शिमरी शेड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फ्लावर पावर और इसको मैं इनर वी सेक्शन पे अप्लाई करूंगी. सो इनर वी से मैं क्रीज पे लेके जाऊंगी शेड. सो ये बहुत अच्छा हाइलाइटिंग इफेक्ट देगा इनर कॉर्नर के साइड पे और बहुत ही पिगमेंटेड शेड है एज यू कैन सी. इसके बाद मैं इसको और एक ग्लिटर शेड से टॉप अप करूंगी. दिस वन इज फ्रॉम एल्फ कॉस्मेटिक्स. दिस इज देयर फ्लर्टी बर्डी ग्लिटर आई शेडो. बहुत ब्यूटिफुल शेड है, हाईली रिकमेंड करती हूँ इसको आप ट्राई करके देखो. बहुत अच्छा शेड है, इसको मैं टॉप करूंगी. सो ये ऑप्शनल स्टेप है, आप इसको कर सकते हो. मैं और ज्यादा ग्लिटर इफेक्ट के लिए इसको अप्लाई की हूँ. सो यहाँ पे मैं यूज करूंगी आई लाइनर, मेबलिन कोलोजल आई लाइनर यूज कर रही हूँ. तो बहुत ही थिन सा आई लाइनर अप्लाई करना है आउटर वी पे, बहुत ही कम प्रोडक्ट लेके अप्लाई करें. सो इसको भी हम लोग स्मच करेंगे जो डार्क ब्राउन शेड था उसके साथ. सो ये जस्ट थोड़ा सा आपको और डार्कर इफेक्ट देगा विंग को. बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई करना है और थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके इसको स्मच कर ले जल्दी से, अदरवाइज लिक्विड आई लाइनर है सो स्मच नहीं होगा. इसके बाद मैं यहाँ पे पॉइंटेड इनर कॉर्नर क्रिएट की हूँ और आप देख सकते हो स्टिकी टेप को रिमूव करने पे आपको कितना अच्छा शार्प एजेस मिल रहा है. नेक्स्ट मैं पैक का एवरलास्टिंग काजल अप्लाई करूंगी और बहुत अच्छा एक काजल है लोअर वाटर लाइन के आउटर वी के साइड पे. एंड ब्राउन शेड को लेके मैं स्मच कर लूंगी लोअर लैश लाइन को और फर्दर इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए रोजी पिंक शेड को अप्लाई करूंगी. मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैक का मस्कारा. सो बहुत अच्छा एक मस्कारा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मस्कारा.
सो उसको मैं अपर एंड लोअर लैशेस पे अच्छे से कोट कर लूंगी। उसके बाद जो फ्लावर पावर शेड था उसको इनर कॉर्नर एंड ब्राउन को हाईलाइट करने के लिए यूज करी हूँ। एंड इसके बाद मैंने फर्स्ट आई लैशेज अप्लाई किया है एंड दिस इज द फाइनल फिनिश लुक। सो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये आई लुक। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ की हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।